आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं खेसारी लाल यादव के मूवी के टीजर पे, जिसका टाइटल है राजा राम। और जैसे कि आप लोगों को पता है अभी नवरात्रि चल रही है, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। एंजॉय कर रहे होंगे, वी होप आप लोग, हम लोग भी कर रहे हैं, शूट भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, हो चुका है। एंड या सो गाइज, हमें बहुत रिक्वेस्ट आए थे कि खेसारी लाल यादव के मूवी का टीजर आउट हो चुका है, इस पे रिएक्शन लेकर आओ, तो हम लोग आ गए आपके लिए रिएक्शन लेकर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट देख लेते हैं टीजर एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखो तो जा। ओके गाइस, सो दिस वाज द टीजर, छोटा सा बिल्कुल टीजर था। सो ऑब्वियसली मुझे, मतलब हमें ज्यादा को तो कुछ नहीं समझा कि उल्टा कंफ्यूज और हो गए, मतलब कंफ्यूज नहीं बट अच्छा लग रहा है टीजर बहुत। नहीं बट कंफ्यूजिंग है चाहिए टीजर काफी, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ वो देखकर तो ऐसे ही लग रहा था कि सही में रामायण का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा अचानक से उनको चेंज करके बिल्कुल वो पॉप ईयर में लेकर आ गए। तो अब मूवी आएगी तो ट्रेलर आएगी तो पता चलेगा, बट बहुत एक्साइटिंग टीजर था। एंड इसमें आकांक्षा पुरी है, ये मुझे नहीं पता था। अच्छा दैट्स व्हाई आकांक्षा पुरी आई थी, सिर्फ गाना में ही है। हाँ हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैंने देखा खेसारी लाल यादव आकांक्षा पुरी के बर्थडे वगैरह पे गए थे, फिर और भी मैंने देखा उनके साथ क्लिप्स वगैरह। सो मैं वही सोच रही थी कि इनके साथ तो इनकी आई डोंट थिंक सो की कोई मतलब सॉन्ग्स वगैरह आए हो, क्योंकि आकांक्षा पुरी के साथ इवन उल्टा पवन सिंह की एक पवन सिंह का एक सॉन्ग आया था जिसपे हमने रिएक्शन दिया था, खेसारी लाल का कोई सॉन्ग नहीं आउट हुआ था उनके साथ। सो मैं वही सोच रही थी इनके साथ क्या कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, आई डिडंट नो कि मूवी का है। मुझे ये नहीं पता कि ये एक्ट्रेस प्ले कर रही है इसमें या फिर सॉन्ग में, क्योंकि देख के लगा कि आइटम नंबर प्ले कर रही है, नहीं अब पता नहीं क्यों। बट हाँ स्क्रीन प्ले बहुत सही है इस मूवी का, सेट बहुत ह्यूज रखा है, वो जो खेसारी लाल की जो एंट्री दिखाई ना, मतलब वो साइड लुक जो दिखाया, जो ब्लर फेस, हाँ वो बहुत दमदार लग रहा है। वो जो भाग रहे हैं वो पीछे से दिखा रहा है, बहुत पावरफुल लग रहा है। इवन इसके पहले जो उनकी एक मूवी आई थी हमने रिएक्शन दिया था, उसमें भी बहुत पावरफुल, जो महादेव की पूजा कर रहे होते हैं, बहुत पावरफुल लग रहा था वो भी देखने में, और ये भी बहुत पावरफुल लग रहा रोल था वो मूवी में। हाँ इसमें भी नहीं है ना कहीं, राम जी के साथ पॉप कल्चर को कैसे ऐड करेंगे, पता नहीं। हो सकता है दिखाए कि दो भाई है, वो एक जो है वो शायद, हो सकता है कि वो राम जी ने बने हो सकता है, रामलीला का कुछ दिखाई, ये भी तो हो सकता है ना, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बट स्टार्टिंग का सीन जैसे दिखाया, हाँ वो रामलीला नहीं हो सकता। हाँ मैं वही सोच रही थी, बट पता, क्योंकि रामलीला नेचुरली हमने सबने देखा हुआ है, ऐसे ह्यूज रामलीला तो नहीं होती है, नदी के साथ इतना बड़ा सेट, सेट वगैरह तो बनता ही नहीं है रामलीला में। हाँ अब लेट्स सी, अब ट्रेलर भी आउट होगा इस मूवी का, तो ट्रेलर आएगा तो पता चल ही जाएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, बट हाँ एक चीज है, ये टीजर इंटरेस्टिंग है जो लोगों को हुक्ड रखे। हाँ, क्योंकि आप अगर लोगों को कंफ्यूज कर दो ना कॉन्सेप्ट लेकर, तो लोग ऐसे ही हुक्ड रहेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चलेगा कि ये ऐसे दिखा, फिर अचानक से उसको 360 डिग्री चेंज कर दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। सो डेफिनेटली इट्स एन इंटरेस्टिंग टीजर, एंड यार इसका जब ट्रेलर आएगा तब काफी कुछ क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, बट अभी तो थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो सेट वगैरह था, क्योंकि नेचुरली रामलीला तो ऐसे नहीं होती है, हम सबने देखा हुआ है, और मूवी वगैरह भी रामलीला दिखाए गए हैं, बट ऐसे ह्यूज सेट्स के साथ नहीं होते। So, let's see कि क्या दिखाने वाले हैं, अब देखेंगे तो पता चलेगा। And I have to say that कि खेसारी लाल यादव एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके पहले भी हमने उनकी एक्टिंग देखी है,
वो बहुत अच्छे एक्टर भी है, सिंगर तो है ही, हमें उनके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो जिस हिसाब से गाते हैं आप अगर देखो सॉन्ग्स में उनका कुछ अलग रूप निकलता है, और जब हम उनको देखते हैं मूवीज वगैरह में उनका कुछ अलग लगता है, ऐसा लगता है दो अलग पर्सनैलिटी है। तो ये एक आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो अपने आप को कैसे एक कैरेक्टर में ढालता है। सो दिस इज रियली इम्प्रेसिव। हमने उनके दो मूवी का रिएक्शन दिया एंड दोनों में एक फैक्टर कॉमन था, वो था कि एक माइथो से कनेक्टेड होती है उनकी मूवी। पिछले वाले में भी जब हमने दिया था उसमें भी एक माइथोलॉजिकल साइट था, इसमें भी एक माइथोलॉजिकल साइट है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सब नहीं देखा हमने, दो नहीं ही मैं दिया ये दोनों का ही बात कर रही हूँ। जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वो कि जो दो प्रोजेक्ट पे हमने रिएक्शन दिया, हमने जो दो देखा है, तो मुझे एक चीज सही में अच्छी लगी मैं बताऊँ तो, वो थोड़ा सा जो माइक्रो साइड है मुझे अच्छा लगा पर्सनली। यस गाइस, सो दिस वाज आवर रिएक्शन, वी होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड गाइस इस डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें आप भी फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।